सी तुम्हें गिनती आती है ना? हाँ सुनाओ इंग्लिश की गिनती। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जैक क्वीन किंग एस। शाबाश, इससे ज्यादा गिनती तुम्हें आती भी नहीं है और ना सीख सकते हो तुम। खैर आज उर्दू का कायदा सीखनी है, कल वाला सबक याद है ना तुम्हें? सुनाओ, अलिफ से भिंडी, बे से तोता, पे से मौजा, ते से फ्रिज। शाबाश दूसरी, शाबाश, आधा सबक बिल्कुल ठीक है, मेरे वाला आधा। खैर ऐसा करते हैं, रियाजी का सवाल करते हैं। दूसरी एक तीली है, अगर दो तीलियां और आ जाए तो क्या हुआ? क्या हुआ? तीन तीलियां हुई ना दूसरी, तीन तीलियां। दोबारा करते हैं, एक तीली है और दो तीलियां और आ जाए तो क्या हुआ? क्या हुआ? तीन तीलियां दूसरी, तीन तीलियां। सुनो अब दोबारा गौर से, एक तीली है और एक और तीली आ गई तो क्या हुआ? तीन तीलियां। और अगर मैं तुम्हें तीलियों से आग लगा दूं तुम्हें कैसा लगेगा? गरम। लूसी आखिरी मरतबा कर रहे हैं, अब गलती नहीं करनी है समझे? एक तीली है, एक तीली है, एक और एक ग्यारह। तुम कहां पैदा हुए थे और क्यों? हॉस्पिटल में हुआ था और क्यों ये मुझे याद नहीं है, बहुत छोटा था ना उस वक्त। मेरे अम्मी अब्बू को मेरे ऊपर इतना फखर था, जब मैं पैदा हुआ बोले हाय हमारे घर चांद सी बेटी पैदा हुई है। बेटी पैदा हुई है? हाँ। नहीं, बेटी कैसे पैदा हुई है? वो छोटे होते मेरे भूरे भूरे बाल और बिल्ली बिल्ली आंखें थी ना, और ये दाढ़ी मूछ तो थी नहीं, तो समझे कि मैं उनकी बेटी हूँ। तो दाढ़ी मूछ तुम्हारी अब भी नहीं है तो वो अब भी यही समझते कि मैं उनकी बेटी हूँ। अब अगर ये गलत नंबर हुआ ना तो मैं इस फोन की तार निकाल के ना अपने गले के आसपास लपेट की इतनी जोर से खींचूंगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। मेरा बच्चा जुनेद है ना, वो बड़ा ही शरारती है, अभी सिर्फ 21 साल का ही है और 20 तक गिनती गिन लेता है, क्लास में भी जाता है लेकिन जिस दिन छुट्टी हो। और डॉक्टर साहब मैंने आपसे उसका इलाज कराना है। मुझसे? हो जी, दरअसल वो जब भी लंच में जला हुआ आलू गोश्त खाता है ना तो दोबारा को टकरे मारता है। आप उसको लंच में जला हुआ आलू गोश्त ना खिलाए ना यार। अच्छा, लेकिन अब तो मैंने घर की सारी दीवारें भी गिरा दी हैं ताकि जुनेद उनको टकरे ना मारे। अपने घर की? नहीं जी, किराए का फ्लैट है उसकी, हम लोग तो बगैर किराया दिए भाग रहे हैं। एक दीवार रह गई है वो भी गिरा दे। तो यार ये मुझे क्यों बता रहे हो, तुम बेशक सारी दीवारें गिरा दो। क्योंकि आपके फ्लैट में तो हम किराएदार हैं। तेरा बेड़ा तर जाए। जमाना किधर जा रहा है, वो महंगाई कितनी बढ़ गई है, वो भला आजकल के जमाने में तारे काट के दूध बेच के गुजारा थोड़ी होता है। वो आजकल के जमाने में तो वो बंदा काम है यहाँ पे जिसके पास कोई हुनर है, जैसे कि मैं, मेरे पास जो बेहतरीन हुनर है वो तो चोरी है। अब आपको मैं एक बात बताऊं, और चोरी के भी कुछ सलीके होते हैं, कुछ उसूल होते हैं, हर बंदा यानी मुंह उठा के थोड़ी चोर बन सकता है। हाँ जी, तो आपसे जो मैं बात करता हूँ वो ये था कि चोरी के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है मालूमात, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप सोचेंगे वो कैसे? और भैया आपको पता ये करना है कि जिस पार्टी की तरफ आप चोरी करने जा रहे हैं आया कि वो घर है अभी के नहीं, और यही चीज मैं अभी मालूम करने लगा हूं। और गौर से देख लें, क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं, ज़ेन नशीन कर लेना आपका काम है, क्योंकि रिपीट करना मेरी आदत नहीं है। हाँ हेलो, हाँ हाँ मैं बोल रहा हूं, और लाइन जरा खराब है ना। और तुमने मेरी शादी की मिठाई मिल गई थी, आधा लड्डू मिला था। हाँ वो आता है ना इसलिए क्योंकि लड़का तो मान गया है, मतलब मैं, लेकिन लड़की अभी तक नहीं मानी। वो क्यों नहीं मानी? वो भी इसलिए क्योंकि अभी तक वहां रिश्ता ही नहीं उसके पहुंचाया, रिश्ता भिजवाएंगे तो मानेगी ना, तो फिर आधा उसके हिस्से का भी लड्डू तुम्हें मिल जाएगा। हाँ ओके गुड बाय। अच्छा सुनो, शादी पे जरूर आना, इसी दिन इसी वक्त। हाँ ओके। लो जी, हमें ये तो मालूम हो गया कि पार्टी शादी की तैयारियां कर रही है,
اب ہم کو یہ معلوم کرنا ہے کہ پارٹی گھر سے دفع کس وقت ہوگی۔ اوئے ہوئے ہوئے، یہ تو میں پوچھنا بھول ہی گیا۔ لو پھر ابھی گیا۔ ہیلو، ہاں دیکھیں میرے کتے کو 212 ڈگری بخار ہو گئے ہیں۔ یہ کوئی اسپتال نہیں ہے بی بی۔ وہ جی میں نے تو فائر بریگیڈ فون کیا ہے، آپ فوراً آگ بجھانے والا ٹرک بھیج دیجئے۔ ہاں میں آگ بجھانے والا ٹرک بھیج دیتا ہوں، رات برف کی پٹیاں بھی بھیج دوں۔ ہاں لیکن برف دھو کر بھیجیے گا، ورنہ میرے لیسی کو زکام ہو جائے گا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اور لگتا ہے مجھ سے کوئی ٹیکنیکل مسٹیک ہو گئی، اور پورے شہر کی کالے بڈھے کے گھر پاڑی ہیں۔ لو ایک اور آئی۔ ہیلو، وہ جو آپ نے آگ بجھانے والا ٹرک بھیجا تھا نا، اسے آگ لگ گئی ہے، اب میں کیا کروں؟ بیٹے اس کے اندر جل بجھ کے مر جاؤ۔ اچھا مر گیا۔ چاچا جی صبح صبح کدھر؟ مجھے کچھ کام ہے، میں وہاں لڑکوں کے فلیٹ جا رہا ہوں سامنے، ان سے کچھ کام میں نے کروانا ہے۔ یار ہمیں بتا دو، ہم کر دیتے ہیں۔ نہیں یہ کام صرف وہ لڑکے کر سکتے ہیں، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ اور لگتا کوئی غلط کام ہے۔ غلط کام تو نہیں، چہرے پہ تو یہی لکھا۔ کیا لکھا چہرے پہ؟ کہ کوئی خفیہ بات ہے۔ یہ تو ہے، تو پھر میں چلا بتانے۔ نہ نہ نہ، کیا بتا دوں، کس کو بتا دوں؟ ہم محلے والوں کو کہ وہ بڈھا جو ہے۔ وہ بڈھا کیا؟ کوئی غلط کام کرنے لگا ہے۔ لیکن یہ غلط کام تو نہیں ہے نا۔ کیا جو میں کرنے جا رہا ہوں؟ وہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ یہ نہیں میں بتا سکتا۔ تو پھر میں چلا۔ پھر وہ اوپر کیوں؟ میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ ہاں کہ میں کیا میں چلا۔ ٹھہرو، کیوں محلے میں میری بدنامی ہو جائے گی؟ تو پھر آرام سے بتا دو۔ شرمیلی بیبی سے شادی کرنے لگا ہوں۔ میاں جی اتنی سی بات تھی اور اتنا بڑا ڈراما؟ لوگوں سنو، لوگوں باجی سلام سریا باجی خوش ہو، وہ بڈھے جی شادی کر رہے ہیں۔ لوگوں آ رہے ہیں، رشید بھائی، زہیر بھائی، اور بڈھے جی شادی کر رہے ہیں اپنے شرمیلی بیگم سے۔ صبح صبح آپ کی شکل دیکھ لی، اب سارا دن پیٹ میں گڑ گڑ ہوتی رہے گی۔ ابھی میں تمہارے پاس بڑی امیدیں لے کر آیا ہوں۔ اب اگر آپ نے کرایہ بڑھانے کی بات کی نا، تو ہم اسی وقت فلیٹ چھوڑ دیں گے، جاتے جاتے اس کی شیشوں پہ پتھر مار جائیں گے اور ساری کتابیں کباڑیے کو بیچ ڈالیں گے، اور چابی سے آپ کی گاڑی پہ اسکریچز بھی ڈال دیں گے۔ تو کوئی اور کام بھی ہے یا صرف کرایہ کی بات کرنی تھی؟ میں نے شادی کرنی ہے۔ کس چیز سے؟ شرمیلی بیگم کے ساتھ۔ آنکھیں تو آپ کی خود ہی ہیں، لگتے بھی ہوش میں۔ کہیں آپ کو سوتے میں چلنے اور بولنے کی وارد نہیں ہے؟ یہ تو اصل میں شادی کے بعد ہی پتا لگے گا نا۔ اب دیکھو نا، بات یہ ہے کہ تم میرا رشتہ جو ہے نا شرمیلی بیگم کے پاس لے جاؤ، اب انکار مت کرنا۔ دیکھو میرے پاس تو اور کوئی رشتے دار وغیرہ ہیں ہی نہیں، میرے جو بڑے تھے نا والدین وغیرہ، وہ تو جب میں چھوٹا سا تھا تب ہی بےچارے انتقال کر گئے تھے۔ پتہ نہیں کیا پتا مجھے دیکھ کے شرمیلی بیگم سے میری بات پکی کر دو۔ شرمیلی بیگم بیوی اور اندھی ہے کیا؟ لیکن رشتے کی بات تو بڑے بوڑھے کرتے ہیں۔ آپ کے بڑے بوڑھے کون ہیں؟ ڈائناسورس، لیکن ان کا شاید چند لاکھ سال پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ لیکن ڈارون کی تھیوری کے مطابق انسان بندر سے بنا ہے، اور میری تھیوری ہے کہ کچھ انسان دوبارہ بندر بن رہے ہیں۔ یہ آپ خود ہی بتائیں، ہم آپ کا رشتہ لے جاتے ہوئے اچھے لگیں گے کیا؟ آپ ذرا عقل سے کام لیں، یہ آپ کا اپنا کام ہے، آپ خود ہی کریں۔ ہم نے کبھی آپ سے کہا ہمارے کچن میں آ کے چوہا مار دیں؟ اور کیا، ہم لوگ بھی تو اپنا سارا کام خود کرتے ہیں۔ سارے کام خود کرتے ہیں، باتھ روم مجھ سے دھلواتے ہیں۔ لوسی کوئی بات نہیں، ہم تینوں روم میٹس بھائیوں کی طرح تو رہتے ہیں، کیا ہوا جو ذرا سا کام تم نے کر دیا؟ نہیں اب میں باتھ روم دھوتا ہوا کیسا لگوں گا؟ ایک خوبصورت اور دمکتا ہوا نوجوان باتھ روم دھو رہا ہے، اس کے لیے کسی ایسے لڑکے کی ضرورت ہے جو بھی نیا نیا بندر سے انسان بنو، بلکہ بن رہا ہو، مثلاً تم۔ اور وہ باندر سے یاد آیا کہ میری شادی کا بھی تو کچھ کرو نا یار۔ بنی نوع انسان کی سلامتی اسی میں ہے کہ آپ کو شادی جیسے عظیم رشتے سے دور رکھا جائے۔ ہم اس مسئلے میں بہرحال آپ کی کوئی مدد نہیں کریں گے۔ اگر تم لوگوں نے شرمیلی بیگم سے میری شادی نہ کروائی نا، تو کیا کریں گے آپ؟ کرایہ بڑھا دیں گے؟ ہاں
लेकिन तुम्हारा नहीं, उन लड़कियों का। महरीन, जारा और बेनेचा क्यों बड़ा नहीं, इससे क्या होगा? वो फ्लैट छोड़ के चली जाएंगी और फिर तुम्हें कभी नहीं नजर आएंगी। हाँ। आपको मासी से शादी करनी है ना, हो जाएगी। हम खान मासूम लड़कियों क्यों तंग करते हैं? दफा कर जॉनी, अहमी शादी की किलकिल में पड़ रहा है। लड़कियों का किराया बढ़ाते तो बढ़ाने दे, उनका किराया हम दे दिया करेंगे। मुझे तो कभी ये शादी के फंक्शंस की तरतीब ही नहीं याद हुई कि पहले निकाह होता है या कीगा। तुम लोगों के पास कल तक का वक्त है, उसके बाद मुझे नहीं पता, मेरी शादी करवाओ। कोई जरूरत नहीं है जहन पर जोर डालने की। बुढ़ापे में अक्सर लोग नफसियाती मर्ज का शिकार हो जाते हैं। इस बुढ़े की जब आंख खुलेगी तो शादी का भूत उतर चुका होगा। लोगों पर से शादी का भूत शादी के बाद ही उतरता है। मुझे तो पहले दो भूत चिमड़े हुए हैं, वो उतरेंगे तो कोई और भूत चढ़ेगा। तो करना क्या है? इस बुढ़े की उस बुढ़े से शादी, और क्या? वो कैसे? जॉनी, तुमने सोच लिया ना लड़कियों से क्या बात करनी है? नहीं। तू कब सोचोगे? जब उनके ड्राइंग रूम में बैठ के चाय पी रहोगे तब। स्टे कूल, कॉज आई एम कूल। मेरे पास उस बुढ़े की शादी और उन लड़कियों से मिलने का प्लान। जॉनी, तुम तो चैंपियन हो, क्या प्लान लायो यार, वाव। लेंथ में जा गया? नहीं। वाव वाव क्या करें? वो तुम इतने कॉन्फिडेंस से खड़े हो तो कोई अच्छा प्लान ही होगा ना। सुनो, हम मासी के घर जाने के बजाय उन लड़कियों के घर जाएंगे, उनसे कहेंगे कि बुड्ढे का पैगाम मासी ने, और वहां से वापस आते 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 अपनी बात भी कर लेंगे। सुने, अब मेरी फ्रेंडशिप बनेगी। लड़कियां हमें देख के दरवाजा नहीं खोलेंगी। मैंने एक अंग्रेजी फिल्म देखी थी, उसमें एक लड़के ने कुछ बोला तो दरवाजा फौरन खुल गया। हम वही टेक्निक इस्तेमाल न करें। हैं? तो उस लड़के ने क्या कहा था? ओपन द डोर और आई शूट। दरवाजा खुल गया था? हाँ, लेकिन उस लड़के को किसी ने गोली मार दी थी अंदर से। तो क्या करें? ये टेक्निक ट्राई कर लेते हैं, मोहब्बत नहीं कर डरना। तुम्हारे साथ मरने से बेहतर है कि मैं एक नीला तोता खा के मर जाऊं। नीला तोता नहीं, नीला थोथा खा कर मर जाऊं। और तुम वो खा लेना। अच्छा अच्छा, बोल भी, चल चल। उर्दू में बोल दूं? शायद दरवाजा खोलने वाले को अंग्रेजी ना आती हो। उर्दू में बोल दे, बस बोल दे, सवाल ना कर, चल। दरवाजा खोलो वरना मैं गोली चला दूंगा। इतना हसन, इतनी जेबाई, इतना फसून, कुछ तो है कि जिससे हो जाती है चिलमन रंगी। आपकी करम नवाजी, वरना हम किस काबिल। आपकी इनायत जो आपने हमारे गरीब खाने आना अपनी छाया ने शान समझा। खुदारा, ऐसी हसीन आंखें आपने कहाँ से पाई? ये आंखें हैं या जादुई मेहराबे? जादुई मेहराबे, इफ लुक्स कुड किल। तो लॉरेंस गार्डन में आके मेरे। आप लॉरेंस गार्डन में पौधों को पानी देते हैं? खाद। शाम को लॉरेंस में कैसे कैसे फूल खिलते होंगे, दूर दूर से पतंगे आकर बांसुरी बजाते होंगे, दरख्तों और घास के साथ सब्जों शादाब तख्ते हद नजर तक फैले होते होंगे, और पंछी खुदा की हमद सना में महव रहते होंगे। कैसा तिलिस्म बन जाता होगा। और जब काले काले बादल आए और सर्द हवा के थपेड़ों से नाजुक घास की लड़ियां हिलने लगें, तो परियां गाती हैं, वाने नाचते हैं और कायनात बहिश्त मालूम होती है। पहले हम खुद वहां जाकर देखेंगे जो आप कह रहे हैं वो सच है या नहीं। हाय, कितना प्यारा, देखो तो सही कैसा लग रहा है, है? बहुत अच्छा। चल चुप कर, अब देख। रूप मेरा निखर गया है ना। नहीं, नहीं।
कहते हैं शादी से पहले भी पहनना चाहिए, फिर रोग भी चढ़ता। हाय अल्लाह, मेरी शादी हो रही है। और सच्ची वो भी अपनी पसंद की। मैं तो कहती हूँ कि ऐसा जवान लड़का तो किस्मत वालियों को मिलता है। ज्यादातर लड़कियाँ उस जवान लड़के को बुढ़ा जो समझ बैठती है, तो मिलना कहाँ से है। मेरी अभी मासी की शादी के कपड़ों का इंतजाम भी तो करना है, तो मैं सब बाजार चलूंगी। मैं चली चलूंगी ना, वैसे भी मेरे पास अपने कपड़े तो हैं ही, शादी पे वही पहन लूंगी। तुमने जो लेना हो वो ले लेना। तुम्हारे पास अपने कौन से कपड़े हैं? वो गरारा जो अब्बू ने मुझे दिया था, तो भी सोने का काम हुआ है। ओ वो गरारा अब्बू ने तुम्हें दिया था? हाँ, क्यों? क्योंकि वो गरारा तो बीनेश ने सफाई करने वाली की बेटी को दे दिया। क्या? वो रोज सुबह मुझे उठाती थी, कहती थी बाजी अभी आपका कमरा साफ करना है, फिर जाके बच्ची के कपड़े सीने हैं। तो मैंने उसे वो गरारा दे दिया ताकि ना वो मुझे रोज सुबह सुबह उठाए और ना ही उसे कपड़े सीने पड़े। शर्मिली बेगम के साथ शादी हो रही है अब मेरी। खुदा झूठ ना बुलवाए, इतना अपनी सलाहियतों पे कभी गुरूर नहीं किया है मां। ये बात है, ये बात तुम याद रखो, कामयाबी का यही तरीका है। इतना बड़ा जेन, बिग ब्रेन, बहुत ही बड़ा जेन है, सिर छोटा है। हुसन, हुसन लिबास एमएफपी है, सब कुछ है, पैसों की रेल पेल है, बस एक चीज है आजी बड़ी है। लेकिन एक चीज से आप मार खा गए, जहनी और जिस्मानी हुसन तो आपके पास है मगर दुनियावी हुसन नहीं है। दुनियावी हुसन क्या? दुनियावी हुसन यानी पैसा। जानी इस दुनिया में जिसके पास पैसा आ जाए, वो चाहे कितना ही कम अकल और सादा शक्ल क्यों ना हो, लोग उसे अकलमंद ही कहेंगे, उसके आगे पीछे इस तरह दौड़े जैसे उसके पीछे एक दुम निकल आई हो। यही तो तुम मार खा गया ना। रुपए की तो मेरे पास इतनी रेल पेल है कि खुदा की बना। बहुत बड़ा बिजनेस है। आपके बिजनेसेस भी हैं? आपने कभी बताया नहीं। अय्या देखो, हम खानदानी लोग हैं, पैसा दिखाना और खर्च करना ये हमारे खून में नहीं। मुझे तो आपकी कोई भी बिजनेस नहीं मालूम। आई नन ऑफ योर बिजनेस। नहीं तो आपकी क्या माशाल्लाह से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनीज हैं या शिपिंग कॉर्पोरेशंस? शेयर्स हैं मेरे, और गली के नुक्कड़ के ऊपर वो जो पान वाली दुकान है उसके अंदर सफारी के शेयर्स मेरे। और शादी के बाद 100 खर्चे होते हैं इंसान के, और एक घर गृहस्थी और खाना पीना और कई चीजें, और माली तंगी जो है ना उसका तो मैंने वैसे इंतजाम कर लिया है। क्या? दो माली रख ली, एक सुबह आएगा एक शाम आएगा, माली तंगी नहीं होगी। घूंघट उठा लू के घूंघट गिरा लू, सैया जी का कहना मैं मारू के तालू। कैसा चल पी, बड़ा चल गया। हाय सबके मासी। हाँ, ये नेल पॉलिश है कपड़ों के रंग तो पागली ना, मतलब ये तो हेयर डाई है मेरे। मौके की मुनासिबत से जहाँ जाती हूँ मैं हेयर डाई कर। ये मौके की मुनासिबत से हेयर डाई करना क्या होता है भाई? क्या होता भाई? बात ये है कि जब मुझे बाजार जाना होता है, मेरी बात सुनो, खाने पे लगी हुई है, जब मुझे बाजार जाना होता है ना तो मैं अपने बाल सफेद कर लेती हूँ, लड़के बड़ा तंग कर लेती हूँ, और जब मैं सैर के लिए जाती हूँ फिर काले कर लेती हूँ, खुश होती हूँ ना। और ईद वाले दिन, ईद वाले दिन मैं बाल अपने कर लेती हूँ मेहंदी रंग के, और अब मैं अपनी शादी कर लेती हूँ। शादी वाले दिन अच्छी गुलाबी। मासी आपके असली बाल किस रंग के थे जब थे? टर्कोइज तो कछुआ होता है, वो टॉर्टल्स होता है, फूल जो कहते हैं वही होता है। अरे मासी आपकी शादी हो रही है ना, मुझे तो इतनी एक्साइटमेंट हो रही है जैसे मेरी शादी हो रही है। तुझे भी मिल जाएगा कोई अकल का अंदाज़ कभी ना कभी। मासी आपको भी इतनी खुशी हो रही है जितनी मुझे? मुझे तो बहुत ही ज्यादा हो रही है, बहुत ही ज्यादा हो रही है। पता क्या हुआ? बड़ी अजीब बात तुम्हें मैं बताऊं, जब पहले रिश्ता आया ना तो मुझे ज्यादा खुशी नहीं थी।
रिश्ता आया था ना? रिश्ता आया था ना? रिश्ता आया था ना? आया ही होगा? आया ही होगा? आया ही होगा? आया ही होगा। घुंघट उठालू के घुंघट निकालू, सैया जी का के नवे वालू के। ए तालू, आपकी शादी हो रही है? मुझे लग रहा है आपकी पहली बार शादी हो रही है। तो पहली बार ही तो हो रही है, तभी तो लग रहा है कि पहली बार हो रही है। रिश्ता भिजवा दिया था ना? रिश्ता भिजवा दिया था ना? रिश्ता भिजवा दिया था ना? भिजवाई दिया होगा? भिजवाई दिया होगा? भिजवाई दिया होगा। Thank you.